हमारे साथ विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आपने आलोक वर्मा जी की बात सुन ली है कि क्या क्या सरकार की तरफ से पक्ष रखे गए हैं। ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ये थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहेंगे आपसे कि ये मामला क्यों फंस गया है और क्या रुख हो सकता है कोर्ट का। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आप समझ लीजिए कि 243 CS और T में प्रोविजन है। प्रोविजन 243 में ऑलरेडी बना हुआ कि कैसे कंपोजिशन ऑफ द म्यूनसिपलिटी होता है, और 243 T में डबनक रिजर्वेशन ऑफ सीट क्या होता है। इसमें ऑलरेडी प्रोविजन का नियम दिया गया है कि मैं पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा, कुल एक मिनट लेना चाहूँगा केवल। सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमेटी कैसे बनेगी, और 243 T रिजर्वेशन ऑफ सिटी सीट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एवरी म्यूनसिपलिटी एंड नंबर ऑफ द सीट सो रिजर्व शैल बियर ए नियरली एज मे बी द सेम प्रोपोर्शन द टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाई द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इन द म्यूनसिपलिटी एज द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड म्यूनसिपल एरिया एज ए शेड्यूल ट्राइब से म्यूनसिपल एरिया फॉर बी द टोटल पॉपुलेशन दैट एरिया टोटल में बी अलाउड रोटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनसिपलिटी नॉट लेस देन द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व अंडर सेक्शन शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टोटल नंबर द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन पर्सन। हमारा ये कहना कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है, और कहीं पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले लोग हैं, जो वकील लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो जानते हैं कि शासन ने इस बार जो अधिसूचना जारी की है वो निश्चित तौर से गलत किया है, और इसीलिए हमारे साथी ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। प्रश्न ये है कि शासन ऐसा करती क्यों है, जो लॉर्ड या तो शासन को कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है, या उनके पास विधिक नॉलेज देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। इस सब गलत इलाहाबाद में मैं बताऊँ, अगर रोटेशन अब जो सीट का है 50% का है, तो पता चला 9 सीट रिजर्वेशन है और वार्ड जो है जनरल है। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब मैं तो अपने साथी को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में बहुत अच्छी याचिका दाखिल की, और एक नज़ीर बनना चाहिए। मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से ही आशा करूँगा कि ऐसे नज़ीर बने कि आगे आने भविष्य में इसी गलती शासन प्रशासन कर सके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसी के तहत हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय अपना बिल्कुल। सर, तो ये समझना चाहेंगे, आपने जो उदाहरण दिया कि मान लीजिए 50 सीटों का रोटेशन होना है तो केवल 9 का हुआ, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जी। इस तरीके के तमाम सीटों में एक लिस्ट आई थी हमारे पास, इलाहाबाद न्यूज़पेपर्स में आई थी कि किन किन जिलों में रिजर्वेशन कितना है जी। तो हमने उसको कायदे से अवलोकन किया था। मैं खुद क्योंकि PIL एक्सपर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट का हूँ, मैं खुद इंटेंडिंग था कि मैं इस याचिका दाखिल करूँ, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई तैयारी में चुका और मुकदमे में फंसा रहा। मैं आपको बताऊँ, जो लिस्ट न्यूज़पेपर में दी गई थी, तमाम जिलों में इस तरह से रिजर्वेशन को लेकर गड़बड़ी की थी, कहीं पर सीट ज़्यादा, कहीं रिजर्वेशन वाला सीट कहीं ज़्यादा, कहीं जनरल सीट है, कहीं OPC का है, कहीं शेड्यूल कास्ट का ही वुमेन रिजर्व है। तो सवाल इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ आप कर रहे हैं शासन के, तो शासन के मनमानी है। मैं ठीक है, आलोक वर्मा जी देखिए सुन लिया आपने, और अधिवक्ता का विजय चंद श्रीवास्तव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कोई राजनीतिक दल से उनका कोई नाता नहीं है। वो सीधा सवाल उठा रहे हैं कि या तो संवैधानिक समझ नहीं है, या तो संविधान समझाने वाले लोग नहीं है। बहुत गंभीर सवाल है ये। फिर से बात मैं रिपीट कर दूं कि सालों से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती रही थी, इस बार भी वो प्रक्रिया अपनाई गई है। सरकार से जो पूछा गया है, जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, सरकार ने उन सारे बिंदुओं को अदालत के सामने रख दिया गया है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन प्रक्रियाओं के तहत जैसे भी आरक्षण इससे पहले की सरकारों में भी होता रहा है, चाहे वो बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उस समय भी जिस तरीके से आरक्षण जारी होता था, आरक्षण लागू किया जाता था, चक्रानुक्रम आरक्षण के लिए जो अपनाया जाता था, जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, मसलन OBC के आरक्षण के लिए कलेक्टर जो है वो देखता है, निकायों की मदद से रैपिड सर्वे कराता है वार्डों में, और उसके आधार पर जो रिपोर्ट होती है वो शासन को भेजता है, और शासन उसके हिसाब से उसके आधार पर आरक्षण लागू करता है।
इस बार भी कहीं कुछ काम नहीं किया गया, वही काम किया गया जो सालों से दूसरी सरकारों में भी किया जाता रहा है, जो प्रशासनिक मशीनरी पहले भी थी आज भी है, हमारे पास छुपाने के लिए देखिए कुछ नहीं। लेकिन अदालत ने कुछ सवाल पूछा है, हमारे कुछ साथी जो है कोर्ट में गए हैं, उनको लगता है कि कहीं कुछ छुपाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहे हैं, सरकार ने भी अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी है। अब जो फैसला आएगा वो फैसला सब मानेंगे, ठीक है, सभी उसको मानेंगे, उसका इंतजार भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।